करनाल के कमेटी चौक पर अनंतनाग में शहीद हुए जांबाज जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और मोमबत्तियां जलाकर शहीद हुए जांबाज जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जगमोहन आनंद, करनाल मेयर रेणु बाला गुप्ता, भारत भूषण सोनिया तंवर व अन्य शहर के जागरूक लोगों द्वारा शहीदों की शहादत को याद किया गया और पाकिस्तान को नसीहत देते हुए अपनी कायराना हरकतों से बाज आने की बात कही गई। इस मौके पर 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को याद किया गया और देश के लिए दी गई अपनी जान की कुर्बानी के लिए जांबाज जवानों को शत शत नमन किया जाए। कायराना हरकत की है, सीआरपीएफ के जो हमारे कैंप के ऊपर जो इन्होंने आतंकवादी अटैक करके हमारे 5 जवानों ने जो अपनी शहादत दी है, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। वो इसलिए व्यर्थ नहीं जाएगी कि आज हम सब जानते हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इन 5 के बदले में कम से कम 50 का तो सफाया करके बैठेंगे आराम से, कम से कम 50। वो ये भूल जाते हैं वारदातें करते समय और फिर उसके बाद जो है ना उनको इसका नतीजा भुगतना पड़ता है और हमें पूरी उम्मीद है मोदी जी उनके साथ जो भी बर्ताव करेंगे वो उनको उनकी पुश्तों की पुश्तें आगे याद रखेंगी और उसके बाद हम ये चाहते हैं, इसलिए हमने ये कार्यक्रम जो है श्रद्धांजलि का यहाँ पे रखा है कि इन वीर जवानों को आज हम मोमबत्ती एक जला करके उनके नाम की उनको एक जो हमने एक याद कर रहे हैं, उनको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उस मोमबत्ती की लौ हमारे मन में हमेशा के लिए जलती रहे और हम उन शहीदों के परिवारों में अगर हमें कोई भी जो है शहीद का परिवार मिलता है, कोई सैनिक मिलता है, कोई फौजी मिलता है, कहीं भी मिलता है, हम उनको मान सम्मान दें और हमारी सरकार भी उनको पूरा मान सम्मान दे रही है और इसमें हमारे हरियाणा के एक वीर सैनिक आई है शहीद रमेश कुमार जी, उनकी उन्होंने भी जंगल से शहादत दी है। आज हमारे शहीद हुए हैं, जवान शहीद हुए हैं, आतंकवादियों ने एक निंदनीय घटना है कि इस तरह से हमला करके हमारे शहीदों को घायल भी किया है और उनको शहीद भी किया है। मैं उन सबको नमन करती हूँ, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हूँ और ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी पहले भी कठोर फैसले लेकर शहीदों के सम्मान की रक्षा करते आए हैं, आज भी हम देशवासियों को उम्मीद भी है और विश्वास भी है कि शहीदों के सम्मान की रक्षा होगी और आगे उनका इस तरह से आतंकवादियों के द्वारा घटनाएं ना घटे, इसके लिए भी हम अपील करते हैं कि आप भाईचारे की भावना को कायम रखें क्योंकि इस तरह की घटनाओं से कई घर उजड़ जाते हैं, कई माओं की भूख सीनी हो जाती है, कई सुहागरों के से दूर छूट जाते हैं। मैं इस निंदनीय घटना को बिल्कुल से करनाल की तरफ से हम निंदा करते हैं, हम सब नगरवासी इस बात के लिए सभी एक दुखी हृदय से हैं कि हमारे शहीदों को इस तरह से शहीद किया गया। मैं उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ। सुभाष चंद्र बोस जी जो हमारे अमर शहीद हैं उनकी प्रतिमा के सामने हम सबको हमने श्रद्धांजलि दी है। ऐसे ही शहीदों में एक हमारे हरियाणा प्रांत के झज्जर के भी शहीद हैं, उन सभी शहीदों को मैं नमन करता हूँ। उनकी बदौलत आज हम खुले में सांस ले रहे हैं, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि आम जनता की नहीं है, उनको याद किया जाता है, उनके प्रति एक दीप जला करके उनको लोग के माध्यम से हम याद कर रहे हैं। उनकी शहादत हमारा देश, हमारा समाज करती है और परम पिता परमात्मा से निवेदन करती है कि इन अपना पवित्र आत्मा को अपने चरणों में स्थान